ईरान के कज़वीन नामी शहर में एक शख्स रहता था जो एक माहिर कुश्तीगीर पहलवान था, और चूंकि कुश्ती के बहुत से मुकाबलों में दीगर शहरों के पहलवानों को अखाड़े से बाहर भेज चुका था, इसलिए गुरूर व नखवत से उसने अपने आप को सबसे बड़ा पहलवान समझ रखा था। एक दिन उसने एक हमाम में एक पुराने जमाने के पहलवान की तस्वीर देखी जो उस दौर के जवान खिलाड़ियों के लिए आइडियल था। इस पहलवान की तस्वीर में उसके बाजुओं पर शेर गुदा हुआ था जो शुजात और ताकत की अलामत समझा जाता था। इस जवान पहलवान ने अपने दिल में कहा कि अब जबकि सभी पहलवानों को मैं शिकस्त दे चुका हूं, तो अपने ऊपर ऐसा गुदना गुदवाऊं जिससे लोग मुझे भी ईरान के बड़े बड़े पहलवानों में गिनने लगें। उस दौर में जिस्म आम तौर से हम्माम में ही गोदा जाता था, और इत्तेफाक से उस हम्माम का मालिक भी नक्श निगार गोदने में बहुत ही माहिर था। वो लोगों के जिस्मों पर ऐसा नक्श गोद देता था जो हरीरो दीबा के नकुश से भी खूबसूरत होता था। उस दौर में जिस्म पर नक्श व निगार गोदने के लिए जदीद वसायल व आलात नहीं होते थे। जो अपने जिस्म पर नक्श व निगार गुदवाते उन्हें बहुत ज्यादा दर्द बर्दाश्त करना पड़ता। इस पहलवान ने जिस्म पर नक्श व निगार गोदने वाले उस्ताद से कहा, मेरी पीठ पर एक खूबसूरत शेर बना दो। उस्ताद ने अपने आले को तैयार किया जो नश्तर की मानिंद एक चुभने वाली चीज थी जिसे फारसी में निश्तर कहते हैं। जैसे ही उसने पहला निश्तर उस पहलवान की पीठ में चुभोया, उसे बहुत ज्यादा दर्द का एहसास हुआ। वो चीख कर कहने लगा, अरे उस्ताद क्या कर रहे हो, दर्द से मेरा बुरा हाल हो रहा है। उस्ताद ने ताज्जुब से उसे जवाब, क्या तुमने नहीं कहा था कि गोदना गोद दूं, वही कर रहा हूं। पहलवान ने कहा, यह कौन सा गोदना है जिसमें इस कदर दर्द और तकलीफ हो रही है। उस्ताद ने कहा, शेर बना रहा हूं। पहलवान ने कहा, शेर के जिस्म के किस हिस्से को बनाना शुरू किया है। उस्ताद ने कहा, दुम को। पहलवान ने कहा, मैं बगैर दुम का शेर गुदवाना चाहता हूं, उसकी दुम हाथियों के साथ लड़ाई में कट गई है। उस्ताद ने, जो ये बात सुनकर बहुत नाराज हुआ क्योंकि उसके फन को यह शख्स नाकिस बना रहा था, बाद दिले नाखास्ता पहलवान की बात मान ली और फिर उसने शेर के जिस्म का दूसरा हिस्सा उसकी पीठ पर गोदना शुरू किया। पहलवान फिर चीख उठा, उस्ताद अब क्या बना रहे हो। उस्ताद ने कहा, शेर का शिकम बना रहा हूँ। पहलवान ने कहा, मेरा शेर इस कदर नहीं लागर है कि उसके पेट है ही नहीं। उस्ताद तुम शिकम बनाना छोड़ दो, कुछ और बनाओ। उस्ताद ने गुस्से में आकर गोदने के आले को अलग रख दिया और उस पर बरसते हुए कहा, आज तक किसी ने बगैर दुम और शिकम का शेर देखा है? जब तुम एक निश्तर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते तो खुद को पहलवान कैसे कहते हो। बेहतर है कि हर शख्स को अपनी तवानाइयों का हर काम में अंदाजा होना चाहिए।